दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। SMC शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं SMC शिक्षक संघ एक बार फिर सड़कों पर उतर गया है। शनिवार से SMC शिक्षक उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। संघ का कहना है कि वे काफी लंबे समय से सरकार के समक्ष नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि वे अब धरने से तभी उठेंगे जब सरकार उनकी मांगे मान लेंगी। देखो सर, पिछले एक साल से हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री से और उनकी तमाम कैबिनेट के मंत्रियों से हम मिलते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय आज तक कुछ भी नहीं मिला है। हम कंटिन्यू सरकार के संपर्क में हैं और कभी बोलते हैं कि 3 महीने रुको, कभी बोलते हैं 4 महीने रुको, अभी प्राकृतिक आपदा आई है, अभी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हमने भी सहयोग किया, हिमाचल प्रदेश में जब वो इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है तो इन्होंने फैसला किया कि हमें भी थोड़ा आपदा राहत कोष के लिए थोड़ा वो करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमने सोचा नहीं था कि भाई प्रदेश सरकार हमें भी इतना लंबा पीरियड तक ले जाएगी, पर जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, फैसला लेने वाले मंत्री जी हैं और हमें पूरा भरोसा है कि 1-2 दिन के अंदर जो है हमारे बारे में अच्छा कदम उठाएंगे और ताकि जो है 2555 SMC अध्यापक जो नियमितकरण की राह है वो आसान हो सकें। आगामी देखिए, जो आज से हमने पहले भी प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से हमने अवगत करवाया था सरकार को भी कि अगर 25 जनवरी तक हमारे लिए राजत्व दिवस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता है तो 27 जनवरी से हिमाचल प्रदेश के तमाम SMC अध्यापक क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे और आने वाले भविष्य में हम जो है इस आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा अगर सरकार हमारी मांग, नियमितकरण की मांग को नहीं मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।